गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारे रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो है पिछली कक्षा में हमने विज्ञान के लिए बारे में जो है अध्ययन किया था, यानी कि हमने देखा था कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत अगर शिक्षक द्वारा छात्रों के लिए विज्ञान मेलों का आयोजन किया जाता है तो वह किस उद्देश्य से किया जाता है तथा वहाँ पर जब विज्ञान मेला लगाया जाता है तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है तथा विज्ञान मेले में किन किन बातों को आवश्यक तौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब देखिए, हमने हमारे जो पिछली कक्षाएं थी उसके अंतर्गत जो रसायन विज्ञान है उसमें विज्ञान मेले के बारे में जो अध्ययन किया था, जिसमें हमने सबसे पहले जाना था कि विज्ञान मेला होता क्या है, यानी कि विज्ञान मेला किसे कहा जाता है। उसके बाद में हमने विज्ञान मेले के उद्देश्यों को पढ़ा था कि विज्ञान मेला किन उद्देश्यों से जो है प्रदर्शित किया जाता है, या फिर विद्यालय स्तर पर या राष्ट्र या फिर क्षेत्रीय स्तर पर जो विज्ञान मेला का आयोजन होता है वह क्यों किया जाता है। फिर उसके बाद आगे हमने देखा था कि जब हम विज्ञान मेलों को आयोजित कर रहे हैं या शिक्षक द्वारा विद्यालय स्तर पर जब विज्ञान मेलों का आयोजन किया जाता है तो उसका क्या महत्व होता है, वह छात्रों के लिए किस प्रकार से आवश्यक होता है तथा वहाँ पे वह छात्रों के लिए किस तरीके से कार्य करता है, तो इसके बारे में हमने जाना था, यानी कि विज्ञान मेलों के महत्व को हमने जाना था। फिर उसके बाद जब हमने हमारी कक्षा में पढ़ा कि विज्ञान मेले का जो संगठन है, यानी कि जब विज्ञान मेला आयोजित किया जाता है तो उस समय किन किन बातों पर शिक्षक द्वारा ध्यान दिया जाता है उसके लिए जो है हमने चर्चा करी थी, यानी कि विज्ञान मेलों के संगठन में हमने देखा था कि जब हम विज्ञान मेले की प्रदर्शनी करते हैं तो उस समय उसके क्या उद्देश्य देखे जाते हैं, समय अवधि क्या होती है, कार्य का विभाजन किस प्रकार से होता है, कार्य का निरीक्षण किस प्रकार से होता है, उसका आयोजन किस तरीके से किया जाता है, यानी कि अर्थात यहाँ पर हमने देखा था कि जब विज्ञान मेलों का आयोजन होता है जानकारी।
संबंधित हो।
वैज्ञानिक उपकरण का निर्माण किया है उसकी प्रदर्शनी भी वह जो है विज्ञान मेलों के अंतर्गत कर सकते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है कि छात्रों द्वारा वर्तमान उपकरणों में आवश्यक सुधार करके उन्हें उन्नत बनाना, यानी उदाहरण के लिए जैसे मैंने आपको बताया था। अब देखिए क्या होता है कि जो विज्ञान द्वारा हमें कुछ उपकरण प्रदान किए जाते हैं, यानी विज्ञान के क्षेत्र में जो उपकरण प्राचीन समय में बनाए गए थे उनमें और थोड़ा बहुत सुधार ला करके उन्हें और अधिक उन्नत बनाना जिससे कि विज्ञान के क्षेत्र में और प्रगति
कौन कौन